हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम साहब। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम खरबूजे का पन्ना बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, खरबूजे का पन्ना। हमने आम पन्ना तो बनाया है, आप मेरी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और आज हम खरबूजा पन्ना बनाने जा रहे हैं, मस्क मेलन कहते हैं जिसे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये थोड़ी सी मीठी रहती है, बट आप उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना चाहते हो या फिर आप अगर थोड़ा कम मीठा पसंद करते हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे काली मिर्च, काला नमक, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दोज आर वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, तो वो उसमें मैंने ऐड किए हैं। और आप ये खाने के बाद खा सकते हो या ड्यूरिंग खाने के खा सकते हो। और ये ठंडा ठंडा अगर आप इसको ट्राई करोगे तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार, इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड। सो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट, लाइक माई रेसिपी, थैंक यू। खरबूजे का पन्ना बनाने के लिए मैंने एक ग्लास जितना पानी लिया है। इसमें मैंने दो चीजें ली है, सौंफ लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून और काली मिर्च का पाउडर मैंने हाफ टी स्पून लिया है। ये काला नमक मैंने हाफ टी स्पून लिया है और ये शक्कर का बूरा लिया है मैंने, शक्कर को पीस लिया है, बट पहले साबुत शक्कर का मैंने हाफ कप जितना मेजरमेंट लिया है, उसके बाद उसको पीसा है। और ये मीडियम आकार का मैंने मस्क मेलन लिया है। तो सबसे पहले हम मस्क मेलन को एकदम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। पहले इसके जो सीड्स होते हैं अंदर के वो निकाल देंगे। दोस्तों, हम दूसरों के लिए तो कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनाते रहते हैं, आज मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाई है। आज आफ्टरनून को मेरे हस्बैंड आ रहे हैं खाना खाने के लिए और मेरे बेटे का भी हाफ डे है, तो सोचा इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है कुछ स्पेशल बनाने के लिए। आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये तो सब है ही, और साइड में मैंने कहा चलो आज कुछ अलग सी डिश बना दी जाए, तो कभी कभी उनके लिए भी सरप्राइज कर लेने चाहिए, इट्स गुड। के सीड्स तो अलग हो गए हैं, अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे एकदम बारीकी से। आप चाहो तो इसको, एक तो ये तरीका है जिसमें कटने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, सो इसको बहुत ही ध्यान से काटो, नहीं तो हाथ कटने के चांसेस भी रहते हैं। और दूसरा भी एक और तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ, एकदम बारीक टुकड़े। देखो, पहले ऊपर से एक एक हल्की हल्की परत निकालते रहो चाकू से, एक तरीका तो ये था, इसको मैंने इस तरह से काट लिया एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में। और दूसरा आसान तरीका बताऊं तो इसको हम थोड़े बड़े टुकड़ों में काट देंगे इस तरह से। ये मैंने ग्रेटर लिया है, इसको हम एकदम ग्रेट कर लेंगे बारीक, तो ये भी एक दूसरा तरीका है, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, बट हाथ का फिर भी ध्यान रखना, एकदम इजीली हो गया। इसी तरह से हम इसके सारे टुकड़े इस तरह से ग्रेट करेंगे। इसी ग्रेटिंग वाला प्रोसेस तो चल ही रहा है, तो इसको मैं और अभी ग्रेट करना है, बट उससे पहले ये मैंने आधा तो खरबूजा ग्रेट कर लिया ऑलमोस्ट, तो अभी इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। तो मैं काली मिर्च और सौंफ का पाउडर मिला रही हूँ, काला नमक चुटकी भर जितना ही मिलाना है, उसमें ज्यादा नहीं, हाफ टी स्पून बहुत है। ये पीसी हुई शक्कर, इसको भी क्या मिक्स हो जाएंगे ना मसाले एकदम अच्छे तरीके से, इसको हम ऐड कर लेते हैं बीच में, एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर दो। अगर ज्यादा पका हुआ है तो आप उसको छोटे टुकड़ों में काटो, और अगर थोड़ा कच्चा है तो आप इसको ग्रेट कर सकते हो, तो उसके क्या पीसेस पूरे अलग ही रहेंगे रेशे। तो अभी हम बाकी के बचे हुए उसको भी मैं ग्रेट करूंगी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने खरबूजे आधा तो काट दिया है और आधे को ग्रेट किया है, तो इसमें देखो कितना जूस भी निकला है इसका। इसमें अब हम आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे, मैंने एक ग्लास पानी इसमें लिया था, बट अब इसमें हम आधा कप ही ऐड करेंगे क्योंकि खरबूजा पका हुआ है, उसमें से ऑलरेडी बहुत सारा जूस निकल चुका है। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि इसमें और पानी ऐड किया जाए तो आप उसको टेस्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो ये मसाले पूरे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब आप इसको फ्रीज में रख दीजिए और कम से कम आधा घंटा फ्रीज में रखिए, उसके बाद आप ठंडा ठंडा खाइए, मजा आ जाएगा इसको खाने का। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और अगर आप मीठा पसंद करते हो तब तो आप आपको ये बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर का थोड़ा सा तीखापन और उसका मीठापन दोनों, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। सो ये हमारी रेसिपी बनके तैयार है। आई होप यू विल लाइक माई रेसिपी।